नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपनी के द्वारा गरीबों की जमीन पर किया कब्जा। बडीहा प्रखंड मुख्यालय स्थित बिजली सब स्टेशन के पास बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा दो हरिजन परिवार की लगभग 7 कट्ठा भूमि पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में बडीहा बाजार निवासी मुंद्रिका राम एम राम बिहारी राम द्वारा बडीहा सीओ को आवेदन पत्र देकर कंपनी द्वारा किए गए कब्जे वाली 7 कट्ठा जमीन वापस कराने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि वे गरीब मजदूर वर्ग के भूमिहीन लोग हैं। 1995 में उन्हें अनुमंडल कार्यालय द्वारा गढ़वा द्वारा पुराना खाता 91 प्लॉट 12 में 1 एकड़ सरकारी जमीन बंदोबस्त कर मिला था। वे अनपढ़ गवार आदमी हैं, इसलिए उन्हें ऑनलाइन भी नहीं करा पाए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचल अमीन धर्मदेव राम ने बताया कि वर्तमान में वह प्लॉट 181 में पानी टंकी बनाई जा रही है, जिसमें मुद्रिका राम की जमीन प्लॉट नंबर 199 में पड़ता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चारदीवारी बनते समय हमारी 7 कट्टा जमीन, नया प्लॉट 199 में लगभग 2 डिसमिल जमीन मापी करने के बाद कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने का मामला सामने आया है। समाचार लिखे जाने तक अंचल अमीन द्वारा अंचल कार्यालय में जांच प्रतिवेदन दिया जा रहा था, जबकि सीओ द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्लॉट 181 दिया गया है। इधर इस संबंध में मुद्रिका राम एम राम बिहारी राम ने पत्रकारों को बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साइट इंचार्ज काफी दबंग व्यक्ति हैं। एम हम गरीबों की जमीन हड़प ली, जिसके लिए आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में सीओ सुश्री दीपमाला ने कहा कि अंचल अमीन से मापी कराई गई, जिसमें 2 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया गया था। कंपनी के द्वारा उसे हर हाल में जमीन मालिक को जमीन वापस कराई जाएगी। आप सब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन चाहिए तो कंपनी के द्वारा बल पूर्वक बना लिया गया है, तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे कार्रवाई के लिए? ब्लॉक में अरे गरीब आमदीन है, हमने पढ़ा लिखा है नहीं थी, ये जमीने रहे 1 एकड़, यही में काका हवा लगी टंकी है बनत। आप यहाँ के विश्वत्री हुए, क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रसाद गुप्ता। कंपनी के द्वारा यहाँ के कुछ गरीबों को, इन लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जमीन जो भी अधिग्रहण हुआ है उन लोगों का मुआवजा मिला नहीं ना है? नहीं बेटा, नहीं मिला है। तो आखिर इन गरीबों को न्याय कहाँ से मिलेगा? इन गरीबों का न्याय झारखंड सरकार से मिलेगा। आपका नाम? नाहुल किशोर यादव, झारखंड अध्यक्ष आरजेडी बडीहा। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके प्रखंड क्षेत्र में बालू के लिए किल्लत है, कंपनी के द्वारा बालू का जो गिराया गया उस पर आप क्या कर रहे हैं? गरीबों का जो अभी इंदिरा आवास बन रही है उसमें जो है बंद कर दिया जाता है, और एक कंपनी माफिया के मिला करके बालू चोरी करवाती है, और भंडारण में जाकर देखे कि इतना भंडारण जमा किया है। चूंकि हमारे सरकार के जो है रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है, पूरा चोरी करके अवैध तरीके से काम कर रही है कंपनी। चाचा, ये बताइए, आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ इतने लोग गरीब हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, लेकिन इस कंपनी को, कंपनी द्वारा गरीबों का काम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोग कुछ अभी आए भी हुए हैं कि काम नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? सर, यहाँ के लोकल आदमी को इसमें लगाया नहीं जाता है, मजदूरी कम दिया जाता है, और जिसका जमीन 100 बरस पहले से कब्जा में है उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। उसको लगा हड़प लिया गया, 100 बरस पहले बाप दादा का जमीन था सर, उसको से पूछा भी नहीं गया, उसको से बात नहीं किया गया, उसे राय में सब कुछ है, उसको रखने के भी लोग तैयार नहीं है। इनका जोधपुर था, ये जोधपुर था, इसे हमारा बाप छठू विश्वकर्मा आयोग वासुदेव रजवार। अच्छा, वासुदेव रजवार, मुंदिरका रजवार, मुंदिरका रजवार, राम बिहारी रजवार।
हम लोग को जमीन आज 100 बरस पहले से कब्जा में था जी, अब फिर भी हम लोग को मजदूरी के नाम पर भी नहीं रखा गया इसमें। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा हमारा रामदेव विश्वकर्मा नाम है सर। रामदेव क्या नाम है? मुंदेर का। घर कहाँ है? बड़ी है। क्या हुआ है? जमीन हमारी टंकी में आ गई बाप, 6-7 कट्ठा। कौन पानी टंकी कहाँ? हाँ ये पानी टंकी। तो इसके लिए आप कंपनी वाले को बोले कि हमारे जमीन पे क्यों बना रहे हैं? आयल रही वो भरी फिर भेंट नहीं हुई लगे तो बाद का कहा कि फिर भेंटे नहीं हुई लग और फिर आइबो के लिए तो जबरदस्ती का कहा कि देखा दी तो उठाओ तो मैंने माना नहीं आप लोगों के कहने पे। तो इसके लिए आवेदन दिए ब्लॉक में? ब्लॉक में हाँ गई रहन छोड़ जाना। अच्छा तो फिर से आवेदन दिए कि नहीं? फिर से नहीं इसी दिले फिर से दिया ही। अच्छा जो रसीद है आपके हाथ में हाँ। ये दिखाए थे क्या? हाँ रसीद दिखौले रही। कागज देखने के बाद क्या बोला गया? वो कागज लेके आई तो वही भी नहीं किया। अच्छा ये रसीद को किसी को दिखाए हैं आवेदन के साथ? हाँ जैसे कि हमें काम जैसे कि करावत रही ना वहाँ अकाउंट के दिखौले रही। कौन सा प्लॉट में आपका जमीन पड़ता है? पढ़ लिखल लिखे सब रसीदे पर बाहनी रुआ ठीक 183 से जैसे लोग बता रहे 183 में आप लोग का पड़ता है ना। ये 5-7 बार उसमें भी बना दिया गया है। अभी अपना जमीन दिखाइएगा। हाँ एकदम तो कितना दूरी में गया है? हम दिखाए तो। आपका नाम क्या हुआ जी? राव नाम का बा? मंदिर का राव। आपका? आपका राम बिहारी। घर कहाँ आपका? बडिया। क्या बोला? राम बिहारी। किधर किधर जमीन था कि कितना दूरी पे था आपका? तब से रेडी होने दिए ना। कागज छोड़िए हाथ से लेके हाँ पूरा का कहा लगे जहाँ थी पत्थर बा हाँ वही सोचे से सब चल गई बाहिन जमीन। तो लगभग कै कट्ठा जमीन इसमें चला गया? एक अंदाज मैंने कहा जाना था कि मैंने 5-6 कट्ठा 7 कट्ठा के लगभग। अच्छा जमीन ये हमारे गई ये एरिया से माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर लेडीज ड्रेस किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।